नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ड्राइंग। ड्राइंग किस चीज़ की? ड्राइंग बार बेंडिंग मशीन की और टावर क्रेन मशीन की। तो बार बेंडिंग मशीन में हमने सिंपल बार बेंडिंग मशीन और स्पार्टन बार बेंडिंग मशीन, इन दोनों को दिखाया है। तो और टावर क्रेन जो पोटेन की MC85A जो टावर क्रेन है उसकी हमने ड्राइंग अरेंज की है और वो इसमें दिखाई है वीडियो में। तो हम उसमें कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे लेकिन अभी इतना ज़्यादा हम उसमें समझा नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई ड्राइंग समझ में ना आए तो आप कमेंट में करना, उसका पर्टिकुलर हम उसी ड्राइंग को डीपली समझाने की वीडियो अलग से बना देंगे। वैसे तो जो काम करते हैं उनको समझ में आ जाएगी, सारा डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा रहता है। फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, हम उस ड्राइंग पे स्पेशल उसकी डीपली वीडियो भी एक बना देंगे। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सिंपल बार बेंडिंग मशीन की ड्राइंग आपको दिखा देते हैं। ये सिंपल बार बेंडिंग मशीन की ड्राइंग है। हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कहा था कि आप हमें ड्राइंग इसकी दे दें, तो हमने ये कोशिश की है कि हम वीडियो के माध्यम से ही आपको ड्राइंग प्रोवाइड करें। तो ये सिंपल बार बेंडिंग मशीन है जिसमें सिर्फ दो कॉन्टैक्टर रहते हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम ऐसा कुछ नहीं रहता है और ये बड़ी आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी टाइम में हो जाता है ये। और इसमें कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा माथा पच्चीस में नहीं होती है। और ये इसका पावर डायग्राम था और ये इसका कंट्रोल डायग्राम है। तो इस तरह से इसमें हमें पता लग जाता है, सिर्फ इसमें दो लिमिट स्विच लगा के और दो कॉन्टैक्टर लगा के ही ये हो जाता है। इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है कि ये K1 K2 इसकी ऑपरेटिंग कॉइल हैं कॉन्टैक्टर की। तो किसी किसी में C1 C2 भी लिखा रहता है, ये हमने वीडियो में अपनी पहले भी बताया है कि K1 हो या C1 हो वो कॉन्टैक्टर को ही दिखाती है कि ये कॉन्टैक्टर है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है अभी, ये सिंपल बार बेंडिंग मशीन का डायग्राम है जिसे आप आसानी से बना सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये स्पार्टन मशीन का जो पुरानी जो मशीन है जिसमें दो रिले और दो टाइमर और तीन कॉन्टैक्टर लगे रहते थे, ये वो वाली मशीन है जिसमें दो रिले दो टाइमर और तीन कॉन्टैक्टर रहते हैं। और ये अब नहीं आती, जो नया मॉडल है उससे थोड़ी डिफरेंट रहती है क्योंकि इसमें एक अभी जो मॉडल आते हैं उसमें पैर रखने से वो दबाए चलती रहती हैं और ये एक बार पैर दबाने से चलती थी। तो ये इसके बारे में हमने समझाया कि जिसमें ये इसके कनेक्शन के जो नंबर्स होते हैं दो रिले वाले डायग्राम के, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस NONC पे कौन सा नंबर इसका लगा रहता है जिससे आपको आसानी हो देखने में। तो इस तरह से ये कोशिश की गई है। और ये वाला डायग्राम जो है ये स्पार्टन मशीन का चार रिले वाला डायग्राम है जिसमें दो टाइमर और चार रिले रहते हैं कॉन्टैक्टर। इसमें दोनों टाइप की मशीन में तीन ही रहेंगे लेकिन इसमें टाइमर दो और चार रिले, टाइमर उसमें भी दो रहते हैं, रिले का फ़र्क पड़ जाता है इसमें, तो इसमें चार रिले रहते हैं। और ये अब टावर क्रेन का डायग्राम है दोस्तों। ये पोटेन की MC85A जो टावर क्रेन है उसका डायग्राम है। तो इस ये डायग्राम हमने इसलिए अरेंज किया है कि किसी को अगर टावर क्रेन के डायग्राम की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से इसमें देख सकता है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। और अगर किसी की समझ में ना आए कि ये किस चीज़ का डायग्राम है क्रेन में, तो ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। इसका डिस्क्रिप्शन हमने हर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन उसके साथ में ही अपलोड किया है। ये अभी सिर्फ पावर सप्लाई का प्रोग्राम है तो इसमें पता चल जाता है, इसमें जो कोड दिए हुए हैं वो सारे इसके जो भी चीज़ें लगी होती हैं इस प्रोग्राम में वो सब दी गई है। अब इस प्रोग्राम को देख लो, इस प्रोग्राम में जब हम सोचेंगे कि इसमें क्या लगा हुआ है तो उसका भी प्रोग्राम हमें डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा, जो हमने सभी डायग्राम के साथ उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, इसके साथ ही अपलोड किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को जब हम देखेंगे कि ये क्या है तो ये इसमें मिलेगा, ये होस्ट का प्रोग्राम है। तो ऐसे ही कई पेपर्स में इसका, कई पेपर में आपका होस्ट का ही अभी आपको मिलता रहेगा क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम रहता है, इसमें ज़्यादा सामान लगे रहते हैं, 3 स्पीड का मोटर लगा रहता है उसमें, तो उसमें जो है ना उसमें 3 स्पीड से ही कंट्रोल होता है, मोटर की वाइंडिंग में ही स्पीड डिफरेंट टाइप की रहती है। तो इस तरह से ये देखो दिखाया हुआ है, उसमें तीन तरह की स्पीड मोटर में है तो तीन कनेक्शन इसमें अलग अलग जाते हैं उसमें। वहाँ क्रेन पर भी जब आप देखोगे तो तीन केबल आपको उसमें अलग से जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर आपको डायग्राम ये देखने में समझ में ना आए कि क्या है
तो इसका डिस्क्रिप्शन जस्ट इसके बाद में आपको दिखाई दे जाएगा, और वहाँ पे आपको ऊपर ही लिखा रहेगा कि इसमें ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ होस्ट विंच इसमें लिखा हुआ है, और इसमें सारे के सारे जो कोड दिए हुए हैं वो कोड और उसके सामने ही उसमें लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ का क्या प्रोग्राम है, क्या चीज़ लगी हुई है। तो वहाँ डायग्राम में आपको सिर्फ इसका कोड दिखाई देगा और एन ओ एन सी के सिंबल दिखाई देंगे और कनेक्टर्स दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का है। अब इसको नंबर 4 वाले प्रोग्राम को देखते हैं हम, इसमें क्या मिलेगा। तो इस तरह से इसको भी देखते रहो, अभी इसमें इसका भी अगर ऐसे देखने में समझ में ना आए तो इसका भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये भी किस चीज़ का है। तो ये भी अभी होस्ट का ही अभी प्रोग्राम चल रहा है, तो वैसे ये अभी आपको क्लियर इसमें पता लगेगा, ये अब स्विंग का शुरू हो गया है, यहाँ तक अभी होस्ट का चल रहा था, अब ये स्विंग का आ गया है। तो ये स्विंग के प्रोग्राम में भी सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, जैसे इसके कोड लिखे हुए हैं, कोड के सामने अभी आपको दिखाई दे जाएगा कि इसमें क्या क्या लगा रहता है और क्या हमें ठीक करना होता है इसमें। तो अभी इसका भी स्विंग का भी और भी प्रोग्राम आएगा इसमें, तो ये दूसरा भी इसमें स्विंग का ही आएगा। अभी ये स्विंग के मोटर के कनेक्शन के बारे में दिखाते हैं, इसमें किस तरह के कनेक्शन किए जाते हैं, इसमें क्या लगा रहता है। तो इसमें मोस्टली इसमें स्विंग का कार्ड लगा रहता है, कार्ड से ये स्विंग की स्पीड ऑपरेट होती है, इसमें कंट्रोल होती है। तो इस तरह से इसमें ये आपको पता लग जाएगा कि देखो प्रिंसिपल ऑफ स्विंग मैकेनिज्म इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्विंग का प्रोग्राम है, जो लेफ्ट राइट जो मशीन घूमती है उसको स्विंग, जो टावर क्रेन लेफ्ट राइट जो घूमती है उसको स्विंग बोलते हैं। होस्ट जो अप डाउन जो लोड उठाती है वो होस्ट होता है। तो इस तरह से इसका स्विंग और ये होस्ट काम करते हैं। और ये प्रोग्राम अब देख लो, इसमें इसका भी आपको अभी पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से देखना कुछ टाइम के लिए, तो ये समझ में आ जाएगा। चाहे क्रेन हो चाहे दूसरी मशीन, प्रोग्राम तो सबका सेम ऐसा ही रहता है। उसमें जब चीज़ें हमारी समझ में आने लगती है तो किसी भी चीज़ का हम डायग्राम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये अभी तक भी ये यहाँ तक स्विंग का ही चल रहा है इसमें। और अभी हमारा क्या बचा, अभी होस्ट हो गया, स्विंग हो गया, अब ट्रॉली का हमारा प्रोग्राम बचा है। अब इसमें ट्रॉली का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रोग्राम इसमें हमने अरेंज किए हैं, इसकी कंप्लीट ड्राइंग हमने अरेंज की है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको समझ में ना आए, इसमें कुछ भी कमी आपको दिखाई दे ऐसी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता दें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या आपकी समझ में नहीं आए। तो हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं और आपको समझाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमने पोटेन की MC85A का ये डायग्राम आपको दिखाया। और ये तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को पसंद करके लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों, प्लीज़ ये सब्सक्राइब लाल रंग में दिखना नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।